हाय ऑल, रक्षाबंधन स्पेशल ओट्स एंड ड्राई फ्रूट के चॉकलेट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, ओट्स, खरबूजे के बीज हैं, खजूर, डेसिकेटेड कोकोनट और फ्लैक्सी। तो सबसे पहले मैंने इन खजूर में से बीज निकाल लिए हैं और अब हम बादाम और ओट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये मैं बादाम को रोस्ट करूँगी अराउंड 4 to 5 minutes में मीडियम आंच पे। आप इसे रोस्ट करें, जैसे इसके स्किन में कलर चेंज होने लगेगा हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी में मैं ओट्स डाल दूंगी। जैसे कि पैन गरम था तो ओट्स को ज़्यादा देर नहीं लगेगा सिकने में। बादाम के बहुत फ़ायदे हैं, ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है और ओट्स तो फुल ऑफ फाइबर होता है। तो ये जो चॉकलेट आज हमारी बनने वाली है तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये ओट्स बन गया है, सिक गया है, तो मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता रोस्ट होने में। अब एक मिक्सी जार में मैं ये बादाम, ओट्स, ये हल्के गर्म हो तभी यूज़ करें, डेसिकेटेड कोकोनट है, फ्लैक्सीड है, फ्लैक्सीड को भी आप भून सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, साथ में खजूर, खजूर सॉफ्ट वाला लें। ये मैंने पीस लिया, इनको एकदम अच्छे से बारीक पीस लें। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक केक टिन भी ले सकते हो, उसमें भी आप इसे जमा सकते हो। इसको हम 3/4 भरेंगे, चाहे आप हाफ भी भर सकते हो, जितना चॉकलेट आपको चाहिए उस अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे 3/4 जैसे भर रही हूँ। ये देखिए, इसको आप हो हाथ से बनाएं तो लड्डू जैसा भी बन जाएगा। इसी तरह से मुझे ये सिलिकॉन में सब भर देना है। और ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, मैं इसे मेल्ट कर लूँगी माइक्रोवेव में। आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो। अब हम इसे चॉकलेट से फिल कर देंगे। खजूर के भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि ये फुल ऑफ विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है। तो फ्लैक्सीड के भी जैसे बहुत फ़ायदे होते हैं, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके ऊपर मैं ये रोस्टेड खरबूजे के बीज होते हैं वो डाल रही हूँ। आप चाहो तो पिस्ता या मेलन सीड्स भी डाल सकते हो। फिर इनको हम जमा देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए, मैं निकाल के दिखा रही हूँ, क्या बढ़िया चॉकलेट बनी है। इसे आप एक कपकेक लाइनर्स में डाल के ऐसे गिफ्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने ब्रदर को राखी पे गिफ्ट देने के लिए। घर में बनाए चॉकलेट बात ही अलग होती है। और ये सिलिकॉन मोल्ड में डाला है तो देखिए कितने इजीली निकल रहे हैं। देखने में ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है और हेल्दी भी है। मेरे पास एक गिफ्ट बॉक्स था तो मैं उसमें इसको सजा रही हूँ। आप चाहो तो एक जार में भी इसको फिल करके दे सकते हो अपने ब्रदर को। तो इस बार अपने भाई के लिए एक परफेक्ट हेल्दी गिफ्ट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू।